उर्दू सलीस जमात दस्वी हिस्सा नज़म जो हम नज़म करने जा रहे हैं उसका अनुवान है पाकवतन ए पाकवतन इस नजम के शायर हैं साकी जावेद सबसे पहले हम नजम में मौजूद मुश्किल अल्फाज की तरफ चलते हैं अल्फाज शौक मतलब लगन राह मतलब रास्ता मशाल मतलब रोशनदान इसको हम शमादान भी कह सकते हैं अज़म मतलब पक्का इरादा रहबर मतलब रहनमा महकी मतलब खुशबूदार वादी मतलब इलाका या ख़ा ज्योति मतलब रोशनी फूटना मतलब निकलना हारी मतलब किसान माथा मतलब सर या पेशानी सीना मतलब छाती लम्हा मतलब हर घड़ी जीना मतलब सीढ़ी अब हम नज़म का खुलासा करेंगे इस नजम शायर साकी जावेद अपने वतन सेहत करते हैं कि अब सारी कौम बेदार हो चुकी है और अब हम और अब हमारे कदम तरक्की की तरफ बढ़ेंगे वतन की मेहनत हमारे राहों को रोशनी अता करेगी और हमारा अज़म हमारी रहबरी करेगा अब हम सारी रुकावटें दूर करेंगे हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत के चराग रोशन है और हमारे माथे से बहता हुआ पसीना हमारे रोशन मुस्तकबिल का जामिन है जब तक हमारे हाथ पांव काम करते रहेंगे हम मेहनत करेंगे अब हर एक किसान अपनी मेहनत से पैदावार बढ़ाकर कर गुर्बत बिताने के लिए मैदान में आएगा आज से हर लम्हा हमारी तरक्की का जीना साबित होगा हम मेहनत करेंगे और पाक वतन को खुशहाल बना देंगे और पाक वतन का नाम दुनिया में रोशन और बुलंद वाला कर देंगे अब हम नज़म के अशार की तरफ चलते हैं पहला शहर है पाक वतन ए पाक वतन हम जागे अब कदम बढ़ेंगे आगे हवाला ये शेर साकी जावेद की नज़म वतन ए पाक वतन से लिया गया है तशरी शायर कहता है कि वतन हम तो सेद करते हैं कि अब हम गफलत की नींद से बेदार हो चुके हैं और मेहनत से तरक्की और खुशहाली की तरफ रवा दवा है शहर नंबर दो शौक़ हमारी राह की मशल अजम हमारा रहबर पानी बनकर बह जाएंगे राह के सारे पत्थर हवाला ये शहर साकी जावेद की नज़म पाक वतन ए पाक वतन से लिया गया है तशरी शायर कहता है कि तरक्की की लगन और शौक़ हमारे लिए रोशनी का मीनार है और मजबूत इरादा हमार है इसलिए हमारे सामने आने वाली बड़ी बड़ी रुकावट भी दूर हो जाएगी शहर नंबर तीन महकी शौक की एक, एक वादी जागी दिल की जोती फूट रहे हैं इन माथों से मुस्तकबिल के मोती हवाला ये शहर साकी जावेद की नज़म पाक, पाक वतन से लिया गया है तशरी शायर कहता है कि ए पाक वतन तुम्हारी तरक्की के लिए हर आदमी के दिल में मेहनत की मशल जल रही है और हर दिल में तरक्की की तमन्ना जाग उठी है हर शख़्स की पेशानी से मेहनत का पसीना चमक रहा है शेर नंबर चार जब तक है ये हाथ सलामत रहेगी मेहनत जारी जंग लड़ेगा से अब देश का एक, एक हारी हवाला हाँ ये शेर साकी जावेद की नज़म पाकवता ए पाकवतन से लिया गया है तशरी शायर कहता है कि ए पाक वतन जब तक हमारे हाथ पांव सलामत रहेंगे हम मेहनत करते रहेंगे मुल्क से अफलास ख़त्म करने के लिए देश का हर किसान दिन रात मेहनत करेगा और मुल्क में खुशहाली लाएगा चांद बनेगा एक, एक माथा सूरज एक एक सीना आज से एक एक लम्ह होगा रोशनी का जीना हवाला ये शहर साकी जावेद की नज़म पाक वतन, वतन से लिया गया है तशरी शायर कहता है कि ए वतन हमारे सर तरक्की की रोशनी से चमकेंगे और हमारे सीने तेरी मोहब्बत से सूरज की तरह गर्म और रोशन होंगे आज से हम तेरी अज़मत और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और हमारा हर क़दम तरक्की की तरफ आगे उठेगा ये थे नजम के अशार और उनकी तशरी अब हम मश्क की तरफ चलते हैं मशक़ है मंद अल्फ़ मंदील अलफाज के सामने तीन तीन हम काफिया अल्फाज लिखिए हम काफिया का मतलब है एक जैसी आवाज़ वाले अलफाज पाक बाक खाक नाक वतन बदन चमन लगन जारी सारी हारी बारी मोती जोती रोती सोती आपने देखा इन अल्पा, तमाम अल्फाज में एक जैसी आवाज़ निकल रही है एक्सरसाइज बे नजम में वो मिसर चुनिए जो हिस्सल मफाऊ पेश करते हैं नंबर एक तमाम रुकावटें दूर हो जाएगी जवाब इसका मिसरा है पानी बनकर बह जाएंगे राह के सारे पत्थर नंबर दो मेहनत करने से मुस्तकबिल रोशन हो जाता है जवाब इसका मिसरा है फूट रहे हैं इन माथों से मुस्तकबिल के मोती नंबर तीन हमारे किसान इलास को मिटा सकते हैं जवाब इसका मिसरा है जंग लड़ेगा गुरबत से अब देश काय के खारी नंबर चार हमारे दिलों में मेहनत की लगन रोशनी बनकर समा गई है जवाब इसका मिश्रा है आज से एक, एक लमह होगा रोशनियों का जीना मशक़ीम मंदज अजील अल्फाज के सामने उनके मुतजाद लिखिए अल्फाज माजी हाल रोशनी तारीकी, जंग अमन आगे पीछे जागना सोना गुर्बत अमारत मशक दाल जील अल्फाज में से कौन से लफ्स मज़क्र हैं और कौन से मानस? तो इस मशक़ में मशल गुरबत वादी ये तीनों अल्फाज मानस हैं और माथा देश ये दो अल्फाज मुजक्र हैं ये थी आज की नज़म पाकवता ए पाकवता जिसके शायर थे साकी जावेद